अनुमंडल पदाधिकारी ने अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। ऑक्सीजन प्लांट, एम्बुलेंस से लेकर मेडिसिन डिपार्टमेंट को भी बारीकी से देखा। दिया अस्पताल को व्यवस्थित ढंग से रखने की हिदायत। भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी उत्तम कुमार ने अनुमंडल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने लू और कोरोना को लेकर भी अस्पताल मैनेजर से जानकारी ली। वहीं उन्होंने अनुमंडल अस्पताल में मौजूद ऑक्सीजन प्लांट और अस्पताल में मौजूद एम्बुलेंस का जांच किया। जांच के क्रम में इमरजेंसी वार्ड में मौजूद एसी नहीं चल रहा था। अस्पताल मैनेजर के द्वारा एसडीओ के सामने भी कई बार एसी को चलाने का प्रयास किया गया, लेकिन एसी चालू नहीं हो पाया, जिसके बाद एसडीओ उत्तम कुमार के द्वारा तत्काल एसी को ठीक करवाने का निर्देश दिया गया। वहीं प्रसव कक्ष के बाहर पीने के पानी के बेसिन में गंदगी का अंबार लगा हुआ था, जिसको देखकर एसडीओ उत्तम कुमार जमकर बिफरे। उन्होंने अस्पताल मैनेजर को तुरंत उसकी सफाई करवाने का भी निर्देश दिया। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी उत्तम कुमार ने बताया कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी प्रचंड गर्मी है, इसी से बचाव के लिए अस्पताल में किया व्यवस्था है। इसके लिए विभाग से कुछ दिशा निर्देश है कि जो व्यक्ति हीट वेव से प्रभावित होते हैं उसको तत्काल उपचार के लिए एक कमरा एसी वाला उपलब्ध कराया जाना है। उसका भी निरीक्षण किए हैं, उसमें कुछ कमी पाई गई है। बीएनपी न्यूज के लिए भागलपुर से अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। अस्पताल में सर औचक निरीक्षण किया गया है सर, क्या कुछ खामियां पाई गई है? आप सभी लोग जानते हैं कि इस जिले में प्रचंड गर्मी पड़ रही है और इसी के लिए गर्मी से बचाव के लिए हॉस्पिटल में क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इसके लिए विभाग से कुछ दिशा निर्देश है। हॉस्पिटलों को कोई भी व्यक्ति हीट वेव से प्रभावित होते हैं उसको तत्काल उपचार के लिए एक कमरा ऐसे ही बनाया जाना था। हम लोग उसका भी निरीक्षण किए हैं तो उसमें कुछ कमी पाई गई है। हॉस्पिटल प्रबंधक द्वारा कहा गया है कि उसको एक घंटे के अंदर ठीक कर लिया जाएगा। एम्बुलेंस में भी ऐसी को चालू स्थिति में रखा जाना है, उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था होनी है। हम लोग अभी जो कैंपस में एक एम्बुलेंस खड़ी थी उसका जाँच किया है कि एम्बुलेंस बिल्कुल वो सही स्थिति में है। तो मुख्यतः यही देखना था। इसके अलावा हम लोग सभी लोग जान रहे हैं कि रोज़ समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहा है कि कोरोना के केसेस, कोरोना पॉजिटिव कुछ मिल रहे हैं। इस अनुमंडलीय अस्पताल में भी जांच के दौरान एक दो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं तो उसके लिए क्या व्यवस्था है, आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए भी क्या व्यवस्था है उसकी भी जाँच की। ऑक्सीजन प्लांट यहाँ लगा हुआ है जो चालू स्थिति में है, बेडों पर ऑक्सीजन उसी प्लांट से पहुँच रहा है। जंबो सिलेंडर, मध्यम आकार के भी सिलेंडर यहाँ भरे हुए रखे हुए हैं, तो इससे कुछ लगता है कि तो पूरी तैयारी हो रही है। सर यहाँ पेयजल के पास तो गंदगी देखा गया है सर, उसमें पेयजल के पास बर्तन धोने या बाथरूम के लिए एक दो तीन नल लगे हुए हैं तो उसमें बेसिन में गंदगी देखी गई है और थोड़ा बदबू भी दे रहा था। हॉस्पिटल मैनेजर को कहा गया है कि उसको तुरंत साफ़ करवाएँ और ये आश्वासन दिया है कि उसको अविलंब साफ करवा लेते हैं। और हमारा डायरेक्शन है कि इस तरह देखते रहें कि इस तरह की गंदगी, खास करके गर्मी के दिनों में बचे हुए भोजन और इस तरह का चीज़ कहीं फेंका हुआ नहीं रहे, उसमें तड़ाहट उत्पन्न होती है और इससे बीमारियां भी फैलने की संभावना। सर हॉस्पिटल में एक सैनिटाइजर मशीन है वो सर काम नहीं कर रहा है सर, उसको हम देख लेते हैं, बात कर लेते हैं, काम कर रहा है इसको सही करवाएं। सर मकनपुर चौक पर अतिक्रमण से हटाया गया अभी उसका? हाँ, भ्रमण के दौरान ये देखा गया मकनपुर चौक।